प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो चुनावी शंखनाद किया उसका ग्राउंड जीरो था छत्तीसगढ़। तो आप सोच रहे होंगे छत्तीसगढ़ क्यों? इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिया। उन्होंने दरअसल छत्तीसगढ़ के गवर्नेंस के मॉडल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तो यहीं से अब सोचा यह भी जाने लगा है कि क्या छत्तीसगढ़ की जो लड़ाई होगी उस बैटल ग्राउंड में भी बीजेपी के चेहरे नरेंद्र मोदी ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रायपुर छत्तीसगढ़, शहर में बारिश हुई थी, जलभराव था, लोग छाते लेकर निकले थे और शहर के सारे रास्ते जा रहे थे उस तरफ जहां पीएम मोदी अपने तूफानी दौरे का आगाज कर रहे थे। बारिश के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं था। पीएम के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुजूम उमड़ा हुआ था। मोदी जी को देखने के लिए मैं ही नहीं वरन आम जनता और सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। मोदी जी विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। बारिश हो या तूफान, नरेंद्र मोदी जी को तो हम देखेंगे और सुनेंगे। आज मोदी जी के छत्तीसगढ़ आगमन में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। करीब 4 साल बाद पीएम मोदी रायपुर पहुंचे थे। पीएम ने रायपुर दौरे के लिए वो वक्त चुना जब साल के आखिर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चुनावी राज्यों में छत्तीसगढ़ ही ऐसा है जहां कांग्रेस फिलहाल सबसे मजबूत है, इसलिए इस सूबे में बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है और शायद इसीलिए पीएम ने चुनौती से दो दो हाथ करने के लिए रायपुर को चुना है। छत्तीसगढ़ से चारों तरफ हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, बदलवो बदलवो, येदारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है। पीएम छत्तीसगढ़ को विकास की सौगात देने पहुंचे थे। माहौल चुनावी है इसलिए चुनावी चर्चा भी होनी थी और हुई भी। दरअसल छत्तीसगढ़ को कांग्रेस गुड गवर्नेंस का एक मॉडल बनाकर पेश करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के इसी मॉडल पर रायपुर में सवाल उठाए। पीएम मोदी ने अपने 30 मिनट के भाषण में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को करप्ट करार दिया। भूपेश बघेल सरकार को करप्शन का मॉडल बताया। कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। पीएम ने छत्तीसगढ़ से इमोशनल कनेक्शन जोड़ते हुए याद दिलाया कि नया राज्य बीजेपी के शासन में ही बना था और बीजेपी ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है। भाजपा ही छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है, उनकी जरूरतों को जानती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है, ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल के सामने पीएम मोदी ने अपने दिल्ली मॉडल को पेश किया। पीएम ने बताया कि 9 साल पहले छत्तीसगढ़ के 30% से ज्यादा गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी और अब ये 6% रह गई। माइंस और मिनरल एक्ट बदले जाने के बाद छत्तीसगढ़ को ज्यादा पैसा मिला। 2014 में छत्तीसगढ़ को 1300 करोड़ मिले थे, लेकिन 2020-21 तक बढ़कर 2800 करोड़ रुपए की रॉयल्टी मिलने लगी। छत्तीसगढ़ में 1,60,00,000 से ज्यादा जनधन खाते खुले। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिली। मनरेगा में 25,000 करोड़ रुपए की मदद मिली। यानी रोजी और रोजगार से लेकर सेहत के मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपने सरकार की उपलब्धि छत्तीसगढ़िया लोगों के सामने रख दी। आज यहाँ पीएम आवास योजना के लाखों घर वेटलिस्ट में है। आपके पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए बन रहे हैं, महाराष्ट्र में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है। भाजपा ने यहां गरीबों को पक्की छत के लिए
मोर आवास मोर अधिकार का आंदोलन किया है। जहां जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी, गरीब को घर देने का काम तेज किया जाएगा। पीएम के भाषण के बाद सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोदी मॉडल को ही आगे रखकर चुनाव लड़ेगी? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी को भूपेश बघेल के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा नहीं मिल रहा? छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां बीजेपी ने लगातार तीन बार सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सूबे में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई थी। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीतकर वापसी तो की, लेकिन पिछले 4.5 सालों में भूपेश बघेल सरकार के सामने बतौर विपक्ष स्थानीय बीजेपी की दमदार मौजूदगी नहीं दिखती है। बीजेपी की परेशानी यह है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के अलावा पार्टी के पास कोई बड़ा और चर्चित चेहरा नहीं। भूपेश बघेल के पिछड़ा कार्ड के मुकाबले के लिए अब तक बीजेपी की कोई रणनीति सामने नहीं आई है। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये भी तय नहीं। बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और राज्य में संगठन कमजोर है। इन चुनौतियों के बीच बीजेपी को तय करना है कि क्या वो फिर डॉक्टर रमन सिंह की तरफ लौटेगी या कोई नया चेहरा सामने लाएगी। जहाँ करप्शन है, जहाँ पे विकास अवरुद्ध हो चुका है, आज पूरे के पूरे 30 मिनट के भाषण में उन्होंने उस बात को चिन्हांकित किया और अपील किया जनता से कि ऐसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है। 23 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी 44% है, 31% आदिवासी आबादी है, दलित आबादी 13% है, सवर्ण 8% है, 2% मुस्लिम और 2% ईसाई वोटर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओबीसी समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के लिए ये तुरुप का इक्का है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह सवर्ण समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी महज 8% है। बीजेपी की यही परेशानी है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि पीएम के आने से भी छत्तीसगढ़ में कोई बदलाव नहीं होगा। मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार कोई शासकीय कार्यक्रम हुआ, उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फूटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य हैं उसका लोकार्पण करके वो गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात ये है जो अमित शाह जी झूठ बोले थे कि धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे से साफ है कि विकास और करप्शन को बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में भूपेश सरकार के खिलाफ एजेंडा बनाएगी, लेकिन सवाल ये है क्या फेसलेस बीजेपी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा तलाश पाएगी या फिर पीएम मोदी के भरोसे ही बीजेपी छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।